मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर को दिखाया आईना, पाकिस्तान की हार के बाद कही ये बात। तो दोस्तों मोहम्मद शमी ने कैसे दिखाया शोएब अख्तर को आईना, पाकिस्तान की हार के बाद क्या कुछ कहा है अपने बयान में, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार से निराश दिखे और उन्होंने टूटे दिल का इमोजी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इस पर भारत के मोहम्मद शमी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। शमी का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शोएब अख्तर के ट्वीट पर शमी ने लिखा, सॉरी भाई, इसे ही कर्मा कहते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर शमी के इस जवाब को लाखों सोशल मीडिया यूजर ने लाइक किया और इस पर कई लोग जवाब भी दे रहे हैं। शमी ने इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ट्वीट के जरिए बधाई भी दी। उन्होंने लिखा, बधाई इंग्लैंड क्रिकेट और जोस बटलर, इंग्लैंड की टीम इस जीत की हकदार थी। बेन स्टोक ने शानदार पारी खेली, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। फाइनल मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 37 रन बनाए। शान मसूद ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बेन स्टोक ने 49 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका पहला अर्धशतक रहा। बता दें इंग्लैंड की टीम T20 में दूसरी बार चैंपियन बनी है। इससे पहले टीम 2010 में भी T20 चैंपियन बनी थी, तब इंग्लैंड टीम के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड थे। यह ओवरऑल इंग्लैंड का तीसरा विश्व कप खिताब है। 2019-19 में इंग्लैंड की टीम वनडे चैंपियन बनी थी, वहीं पाकिस्तान का यह तीसरा फाइनल था। 2007 में पहले T20 में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वहीं 2009 में T20 चैंपियन बनी थी। अब 2022 में पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आप भी मोहम्मद शमी के इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।